गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। और हम आए हैं लाहौर, आ गए थे हम परसों, लाहौर पहुंच चुके हैं, नाजल हो चुके हैं लाहौर पे। और अब हम कहाँ आए हैं? नाश्ता करने आए। कहाँ, नाम आता आपको? नहीं, नाम नहीं आते मुझे। गोगे के चने खाने, चने थोड़ी है। अभी तो पूरी आई है लेकिन हम गोगे के चने खाने आए हैं। गोगा बहुत मशहूर है मॉडल टाउन में लाहौर में। पूरी भेजी है मैंने, पूरी आधी नहीं भेजी। ये पूरी ऐसे गोगे की नहीं, गोगे की पूरियाँ नहीं मिलती। सामने कोई है, सामने इसका मुझे नाम नहीं आता जो सामने वाली शॉप है पूरी वहाँ से। ये और अभी हाँ, और अभी नान चने आने हैं जो हमने खाने हैं। ये है वो पूरी, आधी नहीं पूरी। मजेदार है। और इनका ओपन एयर फैमिली हॉल कैसा है? बहुत वीआईपी, सनरूफ की रूम, सनरूफ। यहाँ पूरा सेटअप लगा हुआ है चनों का। चेक करें कितना बड़ा देश का है जिसमें चने बड़े हुए। पता नहीं इसमें कितने होंगे, अगर आप में से किसी को आइडिया है कि इसमें कितने चने होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आ गए अंडा चने, हो गए नान। मुझे सर्दी लग रही है, और ये सांस का नहीं आया। इनका कोफ्ता चने थे वो भी नहीं आए, ये खाएंगे। और ये आ चुकी है लस्सी, लस्सी लस्सी लस्सी। खाना खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करके मुसलमानों। सुन लिया आपने? सुन लिया, देखा नहीं लेकिन। नाश्ता हमारा डन हो गया। कैसा था? अच्छा था ना? गोगा जिंदाबाद, गोगे के चने बहुत अच्छे होते हैं। नाश्ता करके फ्री हो गए और अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके हम सो जाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट सोए थे 4 बजे के करीब, और 6 बजे उठ के हम नाश्ता करने आ गए। नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, अब जाके थोड़ी देर सो जाएंगे उम्मीद है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। जाकर हम सो गए थे थोड़ी देर और फिर हम उठ के शाम को आ गए हैं खाला के घर। खाला से मिलना था एतज़ाज़ में और फिर हमने बच्चों को आगे प्ले लैंड लेके जाना था। तो अब हम यहाँ पे चाय पी के और फिर चलेंगे प्ले लैंड। आयरा फर्स्ट टाइम प्ले लैंड आई है और फर्स्ट टाइम किसी झूले में बैठी है, और उसका रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। वो कन्फ्यूज़ है, शुक्र है वो डरी नहीं हुई, लेकिन वो कन्फ्यूज़ है कि ये क्या है। दोनों बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। आयरा भी थोड़े थोड़े रिलैक्स चेहरे पे नज़र आ रही है, उसके रिलैक्सेशन आराम से अब बैठी हुई है। वो चेक कर देख रही है कि क्या कह रहा है भाई। ये देखो कैसे क्यूट तरीके से अपने बाबा का हाथ पकड़ के झूले ले रही है। हाउ क्यूट आयरा। और ये मेरे दोनों बच्चे झूला ले रहे हैं, ये चेक करो एतज़ाज़ के काम। एतज़ाज़ के अंदर भी एक अदद बच्चा है। वैसे अच्छी बात है, इंसान के अंदर का बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए, मैं खुद इस बात को मानती हूँ और मेरा भी यही सीन है। ख़वातीनों हज़रात, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है। यार वैसे एक बात है, प्लेलैंड में आके सारे बच्चे बन जाते हैं, सब खेलने लग जाते हैं ना। आप लोगों के साथ भी आई एम श्योर यही सीन होता होगा, हमारे साथ तो होता है, हम तो हर गेम खेलते हैं प्लेलैंड में। मैं तो हैरान हूँ कि इस किड्डी सी को पता है कि स्टेरी पकड़ के उसको घुमाना होता है। इसके बाबा गाड़ी चलाते हैं और ये साथ बैठती है, तो इसको उससे आइडिया है कि स्टेरिंग को घुमाते हैं, तो वो उसको यहाँ पर बिठाया, वो खुद ही से स्टेरिंग घुमाने लग गई है। चले बास्केटबॉल खेलते खेलते इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, व्लॉग को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।